इस कहानी की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा होता है और मिस्र के पिरामिड के पास लैंड होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इम्पोर्टेंट सर्च ऑपरेशन चल रहा हो, लेकिन तभी हमें एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि टेड आओ, खाना खा लो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई इम्पोर्टेंट सर्च ऑपरेशन नहीं बल्कि टेड नाम के लड़के की इमेजिनेशन होती है जो अपने गार्डन में आर्कियोलॉजिस्ट बनकर खुदाई कर होता है। टेड को खुदाई के दौरान एक कफलिंग्स मिलती है जिसे देखकर टेड बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कफलिंग्स होने का है। इसीलिए वो जल्दी से उस कफलिंग्स को लेकर अपनी ग्रैंड मदर के पास आ जाता है। और जब टेड की ग्रैंड मदर उस कफलिंग्स को देखती है तो समझ जाती है कि वो कफलिंग्स होने का नहीं है, लेकिन टेड को खुश करने के लिए झूठ बोल देती है कि वो कफलिंग्स होने का है, जिससे टेड बहुत खुश होता है। इसके बाद टेड की ग्रैंड मदर उसे सोने के लिए बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन ग्रैंड मदर के जाने के बाद टेड बाहर रोड पर लगे एक पोस्टर पर मम्मी को देखकर डर जाता है और जल्दी से आकर सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेड किसी कीमती चीज को बचाने के लिए लगातार खतरों का सामना करते हुए भाग रहा होता है और खुद को जलते हुए लाओ से बचाने के लिए एक रस्सी से लटक जाता है और चारों तरफ से जोम्बी टेड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उन जोम्बी के बीच में से एक आदमी बाहर आता है जो टेड को ऐसा करने से मना करता है। दरअसल यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कंडक्शन मैनेजर होता है और टेड किसी पुरानी केसल में नहीं बल्कि कंडक्शन साइट पर होता है जहां पर वो एक पुरानी कोक की बोतल को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको लगता है कि वो बोतल काफी पुरानी और कीमती है। कंडक्शन मैनेजर टेड के कारनामों से पूरी तरह से उब चुका होता है क्योंकि टेड कंडक्शन साइट पर अक्सर ही फालतू चीजों को इम्पोर्टेंट समझकर उन्हें बचाने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए कंडक्शन मैनेजर टेड को काम से निकाल देता है। टेड के काम से निकाले जाने पर उसके साथी काफी परेशान होते हैं और टेड से पूछते हैं कि तुम अब क्या करोगे। इस पर टेड बोलता है कि उसकी चिंता ना करें। इसके बाद टेड अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और कंडक्शन साइट पर मिली बोतल को लेकर प्रोफेसर हेम्बर्ट के पास आ जाता है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। टेड प्रोफेसर हेम्बर्ट को बोतल देकर उसके बारे में जांच करने को कहता है, लेकिन जब प्रोफेसर उस बोतल की जांच करते हैं तो पता चलता है कि एक नॉर्मल सी कोक की बोतल है, जिससे टेड बहुत दुखी होता है क्योंकि अभी तक उसने एक भी ऐसी चीज नहीं खोजी होती जो हिस्टोरिकल हो। प्रोफेसर उस बोतल को टेड के द्वारा खोजकर लाई गई बाकी चीजों के साथ रख देते हैं और टेड से कहते हैं कि तुम दिल छोटा मत करो, एक दिन तुम जरूर कोई बड़ी चीज खोजोगे। इसके बाद टेड प्रोफेसर को एक लेटर देता है जो उनके लिए आई होती है, लेकिन जब प्रोफेसर उस लेटर को पढ़ते हैं तो बहुत खुश होते हैं और टेड से कहते हैं कि वो इस समय का इंतजार सालों से कर रहे थे। इसके बाद प्रोफेसर टेड को एक पुराना स्टोन दिखाते हुए कहते हैं कि FITT के खोज हुई गोल्डन सिटी की चाबी है, लेकिन यह चाबी का सिर्फ एक पार्ट है और प्रोफेसर लेब्रोफ ने 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इस चाबी के दूसरे पार्ट को भी ढूंढ निकाला है और मुझे मिलने के लिए पेरू बुलाया है, मगर पेरू के लिए जाने वाली फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे ही बचे होते हैं। इसलिए टेड प्रोफेसर हेम्बर्ट को अपनी कार में बिठाकर तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में जब टेड प्रोफेसर हेम्बर्ट से FITT के लॉस्ट गोल्डन सिटी के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर हेम्बर्ट टेड को बताते हैं कि आज से 500 साल पहले जब राजा इरिकस को पता चला कि स्पेनियन उनका सारा सोना हड़पना चाहते हैं, तो उन्होंने मदर नेचर से मदद मांगी और अपना पूरा सोना मदर नेचर की गोद में यानी कि पृथ्वी के अंदर रखवा दिया। इसके बाद मदर नेचर ने राजा इरिकस को एक गोल्डन स्टेचू दिया जिसको कहा जाता है गोल्ड इंडियाना FITT, जिसमें मैजिकल पावर थी जिसकी वजह से जो कोई भी FITT के लॉस्ट गोल्डन सिटी की हिफाजत करता है वो अमर बन जाता है। लोगों का मानना है कि वो गोल्डन सिटी आज भी मौजूद है और स्टोन की मदद से FITT के लॉस्ट गोल्डन सिटी को ढूंढा जा सकता है। प्रोफेसर की बातें सुनकर टेड पूरी तरह से हैरान और एक्साइटेड होता है। अब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रोफेसर टेड से विदा लेकर जल्दी से फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना बैग भूल जाते हैं और जब टेड प्रोफेसर का बैग उनको देने के लिए जाता है तो देखता है कि प्रोफेसर के गलती से नीचे गिरने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब टेड प्रोफेसर के पास पहुंचता है तो प्रोफेसर टेड को नीली गोलियां देने के लिए बोलते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन टेड गलती से प्रोफेसर को लाल गोलियां दे देता है जिसकी वजह से प्रोफेसर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक आदमी टेड और प्रोफेसर का पीछा कर रहा होता है और अपने बॉस को फोन करके बताता है कि टेबलेट इन्हीं के पास है। इस पर उसका बॉस टेड और
प्रोफेसर का पीछा करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि अपने प्राइवेट मिलिट्री के साथ मिस्र में माइनिंग का काम कर रहा होता है। अब क्योंकि प्रोफेसर को ठीक होने में कुछ हफ्तों का समय लगने वाला था, इसीलिए टेड खुद प्रोफेसर के बदले पेरू जाने का डिसाइड करता है। फ्लाइट के दौरान टेड मैक्स नाम के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का शो देखता है जो उसे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैक्स ने बहुत सी पुरानी और कीमती चीजों को खोज निकाला होता है और टेड खुद मैक्स का बहुत बड़ा फैन होता है। पेरू पहुंचने पर टेड को फ्रेडी नाम का एक आदमी मिलता है जो एयरपोर्ट से उसे पिकअप करने के लिए आया होता है। फ्रेडी टेड को अपना सामान बेचने की कोशिश करने लगता है और जब टेड फ्रेडी का सामान लेने से मना कर देता है तो फ्रेडी टेड को अपनी फैमिली की फोटो दिखाकर कहता है कि वो ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। ये सुनकर टेड फ्रेडी से एक टूल खरीद लेता है। अब यहाँ पर सारा नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट टेप को पिकअप करने के लिए आती है जो प्रोफेसर लेवरोफ की डॉटर होती है। टेड सारा को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग टेड को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। सारा जब टेड के बैग में स्टोन की को देखती है तो टेड को प्रोफेसर हिम्बर्ट समझकर फ्रेडी के साथ टेड को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं कि टेड को गाड़ी में कूपर नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर मिलता है जो टेड को प्रोफेसर हिम्बर्ट समझकर उससे स्टोन की मांगता है। कूपर की बात सुनकर टेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रोफेसर हिम्बर्ट नहीं है, लेकिन कूपर के पास टेड की कुछ फोटोग्राफ्स होती है जिसकी वजह से कूपर को लगता है कि टेड ही प्रोफेसर हिम्बर्ट है और वो टेड से स्टोन की मांगता है। लेकिन जब टेड कहता है कि स्टोन की उसके पास नहीं तो कूपर को लगता है कि टेड झूठ बोल रहा है और अपने रोबोटिक हैंड की मदद से टेड को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन टेड फ्रेडी के टूल की मदद से किसी तरह कूपर से बचकर गाड़ी से बाहर आ जाता है और सारा और फ्रेडी के साथ उनकी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। टेड को ज्यादा देखकर कूपर का एक आदमी फ्रेडी के कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस फेंक देता है, लेकिन इन्हें उस ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि टेड का डॉग हर ट्रैकिंग डिवाइस को निकल जाता है। अब टेड सारा के साथ उसके डेड के लैब में आ जाता है जहां पर वो देखते हैं कि चारों तरफ सामान बिखरे पड़े होते हैं और सारा के डेड वहां पर नहीं होते। ये सब देखकर सारा समझ जाती है कि उसके डेड की जान खतरे में है। अब यहां पर सारा का पेट बर्ड आ जाता है जो सारा को उसके डेड का एक लेटर देता है जिसके अंदर स्टोन की का दूसरा हिस्सा होता है और उसके ऊपर सारा के डेड ने लिखा होता है कि वो कूपर से बचने के लिए माचू पिचू में छुपे हुए हैं। सारा के पेट बर्ड से टेड को पता चल जाता है कि जो व्यक्ति प्रोफेसर लेब्रो को मारना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि कूपर है। अब सारा अपने टेड को बचाने के लिए माचू पिचू जाना चाहती है, इसीलिए वो टेड को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। पहले तो टेड सारा के साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद वो सारा के साथ माचू पिचू जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेड सारा और फ्रेडी के साथ माचू पिचू जाने के लिए ट्रेन में बैठा ही होता है कि तभी वहाँ पर कूपर आ जाता है जो सारा से बातें करने लगता है। कूपर को देखकर टेड सारा को समझाने की कोशिश करता है कि कूपर ही वो व्यक्ति है जो उन्हें मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पर टेड की बेवकूफी की वजह से कूपर को बिना कुछ किए ही स्टोन की मिल जाती है जिससे कूपर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी सारा का पेट बर्ड यानी कि पैरेट कूपर से स्टोन की छीन कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में वो एक खम्भे से टकरा जाता है और स्टोन की ट्रेन के छत के ऊपर चली जाती है। ये देखकर सारा और टेड स्टोन की पाने की कोशिश करने लग जाते हैं और कूपर और इनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से स्टोन की को हासिल कर लेते हैं। सारा टेड को बताती है कि ये लोग ओडिसियस कंपनी के लोग हैं और ओडिसियस कंपनी दुनिया के हिस्टोरिकल और कीमती चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाती है और अब ओडिसियस कंपनी की नजर पाईटीटी के लॉस्ट सिटी के गोल्ड पर है। अब कूपर के लोग एक बार फिर से इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह ट्रेन में कैद लामा की मदद से कूपर और उसके लोगों से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से विशालकाय पहाड़ों और मुश्किल रास्तों को पार करके माचू पिचू पहुँच जाते हैं। लेकिन जब सारा टेड के साथ अपने डेड के रूम में जाती है तो देखती है कि पूरे कमरे में सामान बिखरे पड़े होते हैं, यानी कि कूपर पहले ही सारा के डेड को किडनैप करके वहाँ से ले जा चुका था। यहाँ पर टेड जब एक फोटो में सारा के साथ मैक्स को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो मैक्स का बहुत बड़ा फैन होता है और वो ये बात सारा को भी बता देता है। टेड की बात सुनकर सारा को उस फोटोग्राफ की याद आती है जिसे दिखाकर सारा के डेड अक्सर सारा से कहा करते थे कि गोल्डन सिटी जाने का रास्ता नास्का डेजर्ट में है। अब सारा टेड के साथ नास्का डेजर्ट जाने के लिए निकल पड़ती है।
सबसे पहले ये फ्रेडी से मिलते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि कूपर भी इनको ढूंढता हुआ वहाँ पर आ गया है। इसीलिए लोग किसी तरह कूपर से बचते हुए एक हॉट एयर बलून में बैठकर नासा डेजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। इस समय इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर बार कूपर उनको कैसे ढूंढ लेता है। अब टेड के डॉग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और अगले पल टेड का डॉग निकला हुआ ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकाल देता है, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि आखिर हर बार कूपर कैसे इन्हें ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से कूपर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ उस पिरामिड के अंदर ले आता है, जहाँ पर उसने पहले से ही मैक्स और लेब्रोफ को कैद कर रखा होता है। सारा अपने डैड और मैक्स से मिलकर बहुत खुश होती है, क्योंकि सारा और मैक्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी। टेड को यह देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो सारा को पसंद करने लगा था। यहाँ पर मैक्स सारा से स्टोन की को कूपर को देने को कहता है, ताकि वो दोनों यहाँ से आजाद होकर एक हैप्पी लाइफ जी सके। मैक्स की बातें सुनकर सारा बिना कुछ सोचे समझे स्टोन की कूपर को दे देती है, और जब कूपर स्टोन की को उसकी जगह पर लगाता है तो देखते ही देखते वहाँ पर एक मैप बन जाता है, जिसे देखकर कूपर बहुत खुश होता है। अब प्रोफेसर उस मैप को डिकोड करके उस जगह के बारे में बता देते हैं जहाँ पर वो लॉस्ट सिटी होती है, और वो टेड के साथ सारा को पिरामिड के अंदर कैद करके मैक्स और प्रोफेसर लेब्रो के साथ लॉस्ट सिटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कूपर के जाने के बाद टेड देखता है कि नीचे कुछ मिट्टी गिरी होती है, और जब टेड नक्शे की दीवार को टच करता है तो इन्हें पता चल जाता है कि दीवार के उस पार कुछ है, और वो दोनों मिलकर दीवार के उस पार मौजूद असली नक्शे पर पहुंच जाते हैं। दरअसल सारा के डैड ने कूपर को बेवकूफ बनाने के लिए नकली मैप का नक्शा दिया होता है। यहाँ पर जब फ्रेडी गलती से दीवार से एक शील्ड बाहर निकालता है तो पूरा पिरामिड नीचे गिरने लगता है, लेकिन ये लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक क्रेन में बैठकर गोल्डन सिटी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रात में जब ये लोग एक जगह पर रुकते हैं तो टेड सारा को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन सारा टेड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो मैक्स से प्यार करती है। अगली सुबह जब ये लोग लॉस्ट सिटी की तलाश में आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक टाइगर टेड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टेड एक गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो टाइगर टेड को कोई नुकसान पहुंचाता, फ्रेडी और सारा मिलकर किसी तरह उस टाइगर को वहाँ से भगा देते हैं, और इस प्रकार इनकी जान बच जाती है। यहाँ पर टेड देखता है कि उस गड्ढे में एक सीक्रेट रास्ता बना होता है, और ये लोग इस सीक्रेट रास्ते को फॉलो करते हुए गोल्ड सिटी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, और जब ये दरवाजे को खोलते हैं तो उसमें से बहुत सारे बट बाहर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कूपर अपने आदमियों से लगातार उस जगह की खुदाई करवा रहा होता है, जहाँ पर प्रोफेसर लेब्रो ने गोल्ड सिटी के बारे में बताया होता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब प्रोफेसर लेब्रो जब अपनी दूरबीन से गोल्डन सिटी के अंदर से निकले पक्षियों को देख रहे होते हैं तो कूपर समझ जाता है कि लेब्रो ने उसको धोखा दिया है, और असली गोल्डन सिटी रेगिस्तान में नहीं बल्कि जंगल में है। इसीलिए अपने आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टेड और सारा ने गोल्ड सिटी का रास्ता ढूंढा होता है। यहाँ पहुँचने के बाद कूपर अपने गार्ड्स को टेक और फ्रेडी को मारने के लिए कहता है, और खुद मैक सारा और प्रोफेसर लेब्रो के साथ अंदर चला जाता है। अब इससे पहले कि गार्ड टेड को मारते, टेड किसी तरह बहुत मुश्किल से पास रखे क्रेन की मदद से उन गार्ड्स को दूर फेंक देता है, और एक गार्ड टेड को शूट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सारा का पेट भट बहुत सारे भट के साथ आ जाता है, और उस गार्ड पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो गार्ड गहरी खाई में गिर जाता है और इनकी जान बच जाती है। इसके बाद टेड फ्रेडी को अपने डॉग के साथ ऊपर ही छोड़कर नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे दो दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनमें से लेफ्ट दरवाजे में मैक्स सारा और प्रोफेसर के साथ गया होता है, लेकिन टेड राइट दरवाजे में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक मम्मी मिलता है, जिसे देखकर टेड पूरी तरह से डर जाता है, और वो मम्मी भी टेड को देखकर डर जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। टेड भागते भागते सारा और मैक्स के पास आ जाता है। टेड सारा को मैक्स की सच्चाई बताने लगता है कि इन सब के पीछे मैक्स है, और कूपर भी मैक्स का ही आदमी होता है, लेकिन मैक्स सारा को ये बता देता है कि टेड ने उसे झूठ बोला था कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि वो एक मजदूर है, इसीलिए तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो। सारा को जब पता चलता है कि टेड ने उसे झूठ बोला था तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन तभी बातों ही बातों में एक गार्ड मैक्स को बॉस कह के बुलाता है, जिससे सारा को पता चल जाता है कि इन सबका बॉस मैक्स ही है, और टेड जो कुछ भी बता रहा था वो सब सच है, जिस बात पर गुस्सा होकर वो मैक्स को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो
मैक्स से बहुत प्यार करती थी और मैक्स ने उसके साथ ऐसा किया। अब मैक्स भी अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी गन निकाल कर सारा को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस मम्मी को देखते हैं जो अलग अलग तरीकों से इन्हें मारने का प्लान बना रहा होता है। सबसे पहले एक विशालकाय आके गोले को इनकी तरफ फेंकता है, लेकिन ये लोग किसी तरह उसे बच जाते हैं। ये देखकर वो मम्मी बहुत गुस्सा होता है और एक विशालकाय स्टोन जायंट से इन्हें मारने का प्लान बनाता है। अब ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अलग अलग कलर की ढेर सारी रस्सियां लटक रही होती है और सही रस्सी को खींचने से खजाने तक जाने का रास्ता खुलेगा। यहां पर मैक्स एक गोल्डन कलर की रस्सी को खींच देता है जिससे दरवाजा तो नहीं खुलता बल्कि वहां की जमीन नीचे धंसने लगती है, जिसकी वजह से मैक्स का एक गार्ड मारा जाता है और बाकी के लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। ये सब देखकर टेड एक साथ कई रस्सियां खींच देता है जिसकी वजह से वहां की जमीन और भी तेजी से नीचे धंसने लगती है और सबकी जान खतरे में आ जाती है। जिस बात पर गुस्सा होकर मैक्स कूपर को टेड को मारने का आदेश देता है, जिसके बाद कूपर टेड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर प्रोफेसर टेड बताते हैं कि असली रस्सी रेड कलर की है और अब कूपर भी टेड को मारने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन टेड बहुत ही बहादुरी से फ्रेडी के टूल की मदद से कूपर के रोबोटिक हैंड को एक्टिवेट करके उसे खाई में नीचे गिरा देता है और रेड रस्सी को खींच देता है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही मैक्स उसके अंदर चला जाता है और गोल्डन स्टेचू के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो मम्मी एक स्टोन जायंट में बैठकर मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मैक्स उस मम्मी से माफी मांगने लगता है और जब वो मम्मी मैक्स की बातें सुन रहा होता है तो मैक्स बड़ी चालाकी से उसे जायंट स्टोन से नीचे गिरा देता है और खुद मैजिकल स्टोन की मदद से उस स्टोन जायंट को कंट्रोल करने लगता है। अब यहाँ पर टेड भी आ जाता है जो उस मम्मी को खाई से गिरने से बचाता है और मैक्स स्टोन जायंट की मदद से मम्मी और टेड को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर टेड और मम्मी मैक्स से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन मैक्स टेड को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो मम्मी टेड को अपना लॉकेट देता है, जिसकी मदद से टेड मैक्स पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और वो स्टोन जायंट भी गहरी खाई में गिर जाता है। लेकिन इसी दौरान गोल्डन स्टेचू का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है और मैक्स जल्दी से अमर बनने के लिए उस गोल्डन स्टेचू को अपने हाथों में उठा लेता है। लेकिन मैक्स के ऐसा करते ही उसकी बॉडी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक मम्मी में बदल जाता है। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और मम्मी मैक्स को बताता है कि गोल्डन स्टेचू से अमर होने के लिए मम्मी बनना पड़ता है। मैक्स अब ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और मम्मी से खुद को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन वो मम्मी मैक्स को बताता है कि अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो मम्मी सबको खजाने के पास ले आता है जहाँ पर उसी की तरह ढेर सारे मम्मी खजाने की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसके बाद मम्मी मैक्स को कैद खाने में डलवा देता है और गोल्डन स्टेचू को उसकी सही जगह पर रख देता है। इसके बाद वो मम्मी टेड से कहता है कि अब वो लोग उसकी सच्चाई जान गए हैं, इसीलिए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जिस पर टेड मम्मी को वो कफलिंग्स गिफ्ट के तौर पर देता है जो बचपन में उसे गार्डन में मिला था। मम्मी उस कफलिंग्स को देखकर बहुत खुश होता है और उसे पता चल गया था कि टेड एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो टेड और उसके साथियों को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद टेड प्रोफेसर और सारा के साथ वापस आ जाता है जहाँ पर फ्रेडी टेड से पूछता है कि क्या उन्हें वो खजाना मिला। इस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। ये सुनकर फ्रेडी बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि खजाना मिलने के बाद वो टेड के साथ फेमस और अमीर बन जाएगा। इसके बाद टेड सारा को अपनी फीलिंग्स बता देता है, जिसे सुनकर सारा बहुत खुश होती है और टेड को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर